में आ गएगा। शहर और गांव को जोड़ने वाली सड़कें तेज पानी में बह गई हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश सोनू को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही बदमाश के पास से बाइक, तवंचा और कारतूस बरामद किए गए। अलीगढ़ में 3 जगहों से पथराव हुआ है। पहली जगह बच्चों के खेल को लेकर, दूसरी जगह टिक्की खाने को लेकर और तीसरी जगह मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। सूचना पर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पाया। अलीगढ़ के तारा सासनी गेट में मेले में हुए विवाद के बाद पुलिस ने मामला तो शांत कराया, लेकिन घटना स्थल में रहने के बजाय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी सभी थाने में विधायक संजय राजा के जन्मदिन का जश्न मनाते नजर आए। शाहजहांपुर में हुए बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। पुलिस ने 300 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। दरअसल राखी की दुकान लगाने को लेकर धार्मिक स्थल के सेवादारों ने एक लड़की को डंडा मार दिया था, जिसके बाद यहां जमकर पथराव फायरिंग हुई थी। बागपत में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। पथराव में दोनों पक्षों के दर्जन भर लोग घायल हो गए। सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद में कुर्बानी के पशुओं की हड्डियां ले जा रही गाड़ी को 4 लोगों ने रोककर गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर को बुरी तरह से पीटा है। गाड़ी को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवकों को तलाश शुरू कर दिया। हापुड़ में बेखौफ बदमाशों ने मामूली कहा सुनने के बाद सेवानिवृत्त टीचर की धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी और शव को घसीटते हुए ले जा रहे थे। लोगों का शोर सुनकर हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया। लखनऊ में बाइक सवार 4 बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का आरोप लगाया। गोरखपुर में दरोगा ने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पत्नी से विवाद के बाद दरोगा ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। हमीरपुर में सवारियों से भरी टेम्पो और मारुति वैन की टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो चालक सहित 5 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। आजमगढ़ में दो अलग अलग क्षेत्रों में एक युवक और वृद्ध महिला का शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आला अधिकारी की घटना की छानबीन में जुट गई। बांदा में पति ने पत्नी को रक्षाबंधन के मौके पर घर जाने से मना किया। मना करने से नाराज पति ने खुद को आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लखनऊ में बेरहम पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद पति ने अपनी पत्नी को 4 मंजिल से धक्का दे दिया। हमीरपुर में शराब के नशे में 2 दोस्तों में कासूमी होगी। मामला सदर कोतवाली के कालकी चौराहे रोड का है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त मारपीट पर उतारू हो गए। शामली में दलितों की चौपाल गिरने के से करीब आधा दर्जन लोग मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने देहात की 2 अलग अलग जगहों पर मारपीट की है और फायरिंग की है, जिससे इलाके में दहशत है। पहले कॉलेज के बाहर और फिर रेस्टोरेंट के बाद फायरिंग। कानपुर में अस्पताल कर्मचारियों ने 2 लोगों की अस्पताल में बंद कर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। मामूली बात को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हरदोई में दबंगों ने प्राथमिक विद्यालय को स्टोर रूम बना रखा है। दबंगों ने गोबर के कंडे और निजी सामानों से विद्यालय को भर दिया है। संभल में प्रदीप वाष्णे नाम के युवक ने एक मुस्लिम लड़की को रक्तदान कर एक नई जिंदगी दी है। प्रदीप ने रक्तदान के लिए बनी जीवनदाता रक्त संस्था के जरिए रक्तदान किया।